उत्तर प्रदेश के हाथरस व बलरामपुर में बेटियों के साथ हुए बलात्कार और राहुल गांधी के साथ किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ कांग्रेस आज देश भर में सत्याग्रह कर रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस के आह्वान पर राजधानी शिमला में कांग्रेस ने राजीव गांधी कार्यालय से रीज मैदान तक शांति मार्च निकाला और महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह पर बैठे। रीज मैदान पर सत्याग्रह में प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष विधायक नंदलाल, पूर्व अध्यक्ष विधायक सुखविंदर सिंह और कई कार्यकर्ता शामिल हुए। भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा एक कॉल दी गई है पूरे हिंदुस्तान में कि हाथरस की जो घटना हुई है हमारी बेटी के साथ, उस संदर्भ में एक दिन का सत्याग्रह पूरे हिंदुस्तान में किया जाए और शिमला जिला में वो सत्याग्रह हमारे जो शहरी कांग्रेस द्वारा उसके द्वारा आयोजित किया गया। इस संदर्भ में हम लोग आज इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठे हैं। जिस तरह से यूपी में देखिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है। कांग्रेस पार्टी के विपक्षी पार्टी जो हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसके नेता है। वो अगर अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करने अपनी बहन प्रियंका गांधी जी के साथ जाते हैं और उन्हें धक्का मुक्की की जाती है तो ये किस प्रकार का लोकतंत्र है? ये स्पष्ट जाहिर होता है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जहाँ भी आवाज़ उठाने की कोशिश राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी करते हैं, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, योगी सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा की जा रही है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाथरस में जिस प्रकार उनके नेताओं से दुर्व्यवहार किया गया वह सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सत्याग्रह का ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि बेटियों को न्याय नहीं मिलता। देखिए, हाथरस की घटना बड़ी दुखद घटना है। हाथरस में जो हुआ और जिस बेटी के साथ ये हुआ वो समाज की बेटी है, इस देश की बेटी है। उस घटना की कांग्रेस पार्टी पूरी निंदा करती है। कांग्रेस पार्टी ने उस संदर्भ में भी ये हमारा जो एक दिन का सत्याग्रह वो इसलिए रखा है। हमारा ये मानना है कि जो घटना घटी उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का यूपी पुलिस नाकाम रही। तभी यूपी के मुख्यमंत्री ने इसे सीबीआई को दिया, क्योंकि वो पुलिस वो प्रशासन कर और कानून का जो दिवालियापन निकला है उससे बचने के लिए उन्होंने इस घटना को सीबीआई के लिए दिया। मेरा ये मानना है कि किसी माँ बाप को अगर उस बेटी के अंतिम दर्शन करने की भी इच्छा जाहिर की जाती है और उसे दर्शन नहीं करवाए जाते हैं, इससे बड़ी दुखद करना इस हिंदू संस्कृति में, इस हिंदू समाज में और क्या हो सकती है। जहाँ उसकी हत्या हुई है, उस हत्या के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संदर्भ में ये सत्याग्रह किया। सीबीआई जिस परिवार से वो बेटी गई है वो परिवार कितना गमगीन होगा, कितनी दुखद स्थिति में होगा, उन पर किस प्रकार का दबाव सरकार द्वारा डाला जा रहा होगा, ये सब चीज़ें आने वाले वक्त में अपने आप प्रदर्शित होगी कि उन्होंने इस समय क्यों मना किया। और आने वाले समय में वो ये भी मानेंगे कि ये सही हुआ, हमने अपनी बेटी को न्याय दिलाना।